सीटी ब्रेन के एनाटॉमी, फाइंडिंग और फिल्मिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन सेक्शन में जो इमेज जो है कट करके और यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला ये एक सेक्शन है, दूसरा ये सेक्शन है और तीसरा ये नीचे जो है, ये तीन सेक्शन है। इन तीनों सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको हम एक्जियल सेक्शन बोलते हैं। एक्जियल का मतलब होता है इस इमेज का जो कट होगा वो फिट टू हेड या हेड टू फिट होगा, इसे हम एक्जियल सेक्शन बोलते हैं। दूसरा दोस्तों है ये, इसको हम क्रोनल सेक्शन बोलते हैं। क्रोनल सेक्शन दैट मीन्स ये इमेज जो है वो ये एंटेरो पोस्टेरियर या पोस्टेरो एंटेरियर सिगमेंट में ये कट करके सामने आया है। और तीसरा जो दोस्तों ये नीचे दिख रहा है, इसको हम सजाइटल फॉर्मेट बोलते हैं। सजाइटल का मतलब या तो ये सेक्शन, ये इमेज जो है राइट टू लेफ्ट कट के आएगा या लेफ्ट टू राइट कट के आएगा, इसको हम सजाइटल फॉर्मेट में बोलते हैं। और इन्हीं तीनों फॉर्मेट में हम स्कैन को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक्जियल सेक्शन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम एनाटॉमी को देखते हैं। तो स्टार्टिंग से स्कैन के देखेंगे दोस्तों अगर, तो हमें यहाँ पे ये नेजल बोन दिख जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे ये राइट मैक्सिलरी साइनस और ये लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस दिख जाता है। इसके जैसे आगे हम बढ़ेंगे दोस्त, तो यहाँ पे इथमोइडल साइनस यहाँ पे दिख जाता है, ये लेफ्ट इथमोइडल साइनस और ये राइट। उसके बाद यहाँ पे स्फेनॉइड साइनस यहाँ पे दिख जाता है दोस्त, ये हो गया हमारा स्फेनॉइड साइनस। इसके ऊपर जैसे हम चलेंगे, यहाँ पे हमको फ्रंटल साइनस देखने को मिलता है और यहीं पे हमारा जो ये आई है, ये ऑर्बिट रीजन है, ये राइट ऑर्बिट है और ये लेफ्ट ऑर्बिट है और यहाँ पे दोनों आई बॉल दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों ये जो जितना भी ये वाइट वाला पार्ट जो ये दिख रहा है, ये बोन है और ये ब्रेन का सॉफ्ट टिश्यू एरिया है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे इस स्कैन में फाइंडिंग क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस दिख रहा है। उसके बाद दोस्त अगर देखेंगे आगे चल के, तो यहाँ पे आपको ये उजला कुछ दिख रहा है, इसको हम हाइपर इंटेंसिटी बोलते हैं। ये ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू एरिया में ये हाइपर है, दैट मीन्स ये ज़्यादा वाइट दिख रहा है, मतलब ये कुछ फाइंडिंग है। ये क्या फाइंडिंग है? तो ये हेमरेज है दोस्तों, ये हेमरेज है और इसके सराउंडिंग ये जो ब्लैक एरिया जो है, इसको हम हाइपो एरिया बोलते हैं। और ये ब्रेन के नॉर्मल जो डेंसिटी है उससे इसका जो डेंसिटी है ये हाइपो है, यानी कि कम है। और ये वाइट वाले पार्ट का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब ये हाइपर है। तो ये जो वाइट वाला जो दिख रहा है, ये ब्लीड है, हेमरेज है। और इसके साथ जो ये आसपास एरियल में जो साइड में जो दिख रहा है ब्लैक, ये सराउंडिंग एडिमा बना हुआ है, ये एडिमा है। ये किस तरह का हेमरेज है? तो दोस्तों ये ICH है, ICH दैट मीन्स इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इसको हम इंट्राक्रेनियल हेमरेज बोलते हैं। और ये हेमरेज जो है वो ब्लड वेसल्स के रप्चर हो जाने के कारण ये हेमरेज होता है। ये नॉन ट्रोमेटिक हेमरेज जिसको हम बोलते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण इस तरह का हेमरेज होता है। यहाँ पे अगर दोस्तों हम मिडलाइन की बात करें, तो मिडलाइन यहाँ पे शिफ्टेड नहीं है, मिडलाइन अपने जगह पे है। और यहाँ पे दोस्तों हमको ये ब्लैक वाला जो एरिया है, इसको हम टेम्पोरल एरिया बोलते हैं। ये राइट टेम्पोरल एरिया है और ये लेफ्ट टेम्पोरल एरिया है। यहाँ पे ये ब्लैक जो दिख रहा है, ये
ईयर सेल्स होता है यहाँ पे, इधर लेफ्ट में भी होता है और राइट में भी होता है। यहाँ पे हमारा आई बॉल हो जाता है, तो दोस्तों अभी हम एनाटॉमी देख लिए और इसका जो फाइंडिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये ICH हेमरेज है यहाँ पे, जो नॉन ट्रोमेटिक हेमरेज होता है। ये ब्लड वेसल्स के ब्रेन के अंदर जो है ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाता है, BP हाई रहता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के कारण ब्लड बाहर अगर क्लॉट कर जाता है, इसको हम ICH बोलते हैं। इसको अगर हमको क्रॉनल सेक्शन में देखना होगा तो यहाँ से हम इसके ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अब ये हो गया कॉर्नल सेक्शन में आ गया और ये हेमरेज जो है हमारा यहाँ दिख रहा है। और अगर इसको हम सजाइटल सेक्शन में देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सजाइटल सेक्शन में भी देख सकते हैं। ये जो एरिया है हमारा ऑक्सीपिटल एरिया में है, हेमरेज है। अगर इसको हमको इसका फिल्मिंग करना होगा तो फिल्मिंग के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ बैच में जाएंगे। बैच में आ गए दोस्तों और यहाँ से हम इसका एक्जेल में देना है, तो इसको हम यहाँ से एक्जेल में पहले कर लेंगे। फिर यहाँ थोड़ा सा इमेज यहाँ पे हमारा क्या है, ओरिएंटेशन जो है इसका टेढ़ा है, तो यहाँ से हम इसको ओरिएंटेशन इसका हम सही कर लेंगे। अब यहाँ से हम ओरिएंटेशन इसका ठीक कर लिए, इसके बाद यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे, मार्क फर्स्ट पे क्लिक एक बार कर लेंगे, फिर इसको लेफ्ट क्लिक करके वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमको इमेज कवर करना है। यहाँ आ करके फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मार्क लास्ट पे। यहाँ क्लिक करने के बाद इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम इमेज का थिकनेस को सेट करते हैं। तो सीटी ब्रेन है नॉर्मली, तो ये 5 mm पे हम लोग फिल्मिंग करते हैं, और अगर नंबर ऑफ इमेज की बात करें तो ये 24 इमेज ले लेते हैं और एक टोपो का इमेज रहेगा, तो 25 के फॉर्मेट में ये फिल्मिंग जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों ये करने के बाद हमको ये हमको 24 इमेज जो है हमको यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा बैच हो गया और इस बैच को अगर हमें सेंड करना है तो यहाँ से फिल्म बैच पे यहाँ से हम सेंड कर लेंगे। ये हमारा फिल्म पे चला गया। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे हम फिल्म को खोलेंगे, यहाँ पे हमारा सारा इमेज जो है यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से हमें अगर फिल्म देना है तो इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, 5:5 का फॉर्मेट करके। यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ से हम टोपो नहीं लिए थे, टोपो को यहाँ से ला लेंगे, हमारा यहाँ पे लास्ट में टोपो आ गया। यहाँ से कट करेंगे, इस इमेज पे आकर पेस्ट कर देंगे, फिर इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा 25 का फॉर्मेट रेडी हो गया और यहाँ से हम इसको प्रिंट दे सकते हैं। इसमें हमारा यहाँ पे हेमरेज जो है वो भी दिख रहा है, बाकी सब कुछ इसमें क्लियर रूप से दिख रहा है। इसको हम अब यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं।